इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है बिहार के बेगूसराय से, जहां आज सड़क हादसे में अपने साथी की मौत से आक्रोशित छात्रों ने रविवार को NH31 के समीप ज्ञान भारती स्कूल के पास टायर जलाकर यातायात घंटों तक ठप करते हुए जमकर हंगामा मचाया तथा जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने 40 से अधिक गाड़ियों के शीशे फोड़ डाले। सड़क जाम की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन साथी छात्र की मौत से आहत छात्र और आक्रोशित हो गए। उसके बाद घुसाए छात्रों ने पुलिस बल पर जमकर रोड़ेबाजी कर दी, जिससे उस जगह काफी देर तक आपरा तफरी का माहौल बना रहा। फिर बाद में सैकड़ों की संख्या में पुलिस पहुंचकर लाठीचार्ज कर सड़कों को खाली कराया। इसके बाद छात्रों ने जमकर रोड़ेबाजी शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी रोड़ेबाजी की। इस रोड़ेबाजी में DSP राजन सिन्हा एवं थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार झा सहित दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने रोड़ेबाजी कर रहे 8-10 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा 2 राउंड गोली चलने की बात भी कही जा रही है। ज्ञान भारती के समीप का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। सदर DSP राजन कुमार सिन्हा बड़ी संख्या में पुलिस बलों के साथ मोर्चा संभाले हुए है। मौके पर नगर थाना, मुफस्सिल थाना, लाखों ओपी, सिंघोल ओपी समेत कई अन्य थाना की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ भी मारपीट किया तथा कई मोबाइल छीन लिए गए। मिली जानकारी के अनुसार बाघी निवासी राम प्रकाश राय का पुत्र GD कॉलेज का NCC कैंडिडेट विवेक कुमार रात में अपने साथी राहुल भारद्वाज के साथ खमहार से भोज खाकर लौट रहा था। इसी दौरान बाजार समिति के आसपास अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां की इलाज के दौरान विवेक कुमार की मौत हो गई। अगले सुबह साथी छात्र की मौत की जानकारी मिलते ही छात्र उग्र हो गए तथा ज्ञान भारती के समीप सड़क पर टायर जलाकर यातायात ठप कर दिया। इसके बाद पावर हाउस चौक से लेकर हर हर महादेव चौक तक सड़क जाम में फंसे दर्जनों वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कई वाहन चालकों को भी चोटें आई है। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेगूसराय से पिंकल कुमार, टीम DMCT लाइव बेगूसराय। तो जैसा पता चला है कि कई वाहनों का उन लोगों के द्वारा शिकायत पड़ा गया है, जो पुलिस थाना के द्वारा सरकार का प्रयास किया गया है, उनके द्वारा पथराव किया गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुई है। फिर अभी प्राथमिकी दर्ज करा आवश्यक है। जिस तरह से जो आगजनी किया गया है, शीशे तोड़े गए, कई इसमें पुलिसकर्मी भी घायल, क्या लगता है कि जो ये बहुत ही ये समाज के लोग के द्वारा ही किया गया है, जो भी लोग हैं, ये बहुत ही दिक्कत है। बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे, लोगों को निर्देश नहीं सकें, हम लोग निर्देश के आधार पर नाम चिन्हित करके व्यक्ति की पहचान करके कार्रवाई करेंगे।